शारजा में मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बाकायदा ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियां मारी हैं उनको इंक्लोजियर्स में। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शारजा का इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियां मारी जा रही है। मतलब कि ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी हमारे साथ जो इतनी बदतमीजी आप लोग हमसे कर रहे हो? नहीं, हमने आपका बिगाड़ा किया है, एक क्रिकेट मैच है, इतना एग्रेशन किस चीज का दिखा रहे हो? खास करके गेट के बाहर, स्टेडियम के गेट के बाहर जो है रोडों पे जो है दौड़ दौड़ के जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है जो अफगान क्रिकेट फैंस थे उन्होंने मारपीट की है ठीक ठाक किस्म की। तो दोस्तों ये आपने देखा छोटा सा क्लिप, आगे पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बराबर प्रॉपर तरीके से कि क्या रीज़न है पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं अफगानिस्तान के लोग। और ये जो ग्राउंड के बाहर हमेशा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ये सिचुएशन बनती है, अगर आप देखें ज़्यादातर पाकिस्तान अफगानिस्तान जो खेलते हैं ज़्यादातर क्या हमेशा ही खेलते हैं ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट में, इनके बीच कभी भी एक वैसी द्विपक्षीय सीरीज वगैरह हुई नहीं है, तो ये सिचुएशन बनती ही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करेंगे इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यार वो मतलब मैं आई कांट पुट इट ऑन माय चैनल, लेकिन उस वीडियोस में वाजह तौर पे नजर आ रहा है कि शारजा में मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बाकायदा ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियां मारी हैं उनको इंक्लोजियर्स में। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शारजा का इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियां मारी जा रही है। और फिर मेरे कुछ अपने जो सीनियर दोस्त हैं शायद हाशमी वगैरह, उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट किया पूछने के लिए, क्योंकि वो लोग सब इस पर मौजूद हैं वहाँ पर एशिया कप में, तो मैंने उनसे पूछा भाई कुछ हुआ है क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस? तो उन्होंने कहा हाँ भाई काफ़ी हुआ है यहाँ पर, और ख़ास करके गेट के बाहर, स्टेडियम के गेट के बाहर जो है रोडों पर जो है दौड़ दौड़ के जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है जो अफगान क्रिकेट फैंस थे उन्होंने मारपीट की है ठीक ठाक किस्म की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस नहीं देख रही थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है? तो कह लेंगे नहीं, वो पुलिस तो गेट पर थी लेकिन ये गेट के बाहर भी हुआ है। लेकिन जो मेरे पास वीडियोज़ आई हैं उसमें तो बाकायदा जो है कैसे बोलते हैं अपना स्टैंड्स के अंदर ये किया जा रहा है और मतलब कुर्सियाँ मारी जा रही है पाकिस्तानी फैंस को। अब ये कौन सा तरीका है यार, ये मतलब ये किस किस्म की क्रिकेट है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब मैच होगा, तो अगर अफगानिस्तान हारेगा तो उसके बाद अफगानी जो क्रिकेट फैंस है यही हरकत करेंगे, कुर्सियाँ उठा के मारेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। 2019 के वर्ल्ड कप में जो हरकत हुई थी मतलब मैच के बाद, और जिस तरह से वहाँ पर मतलब वायलेंस इरप्ट हुआ था और जिस तरह से जो हरकतें वहाँ हुई है, अब उसके बाद मतलब आज मैच के दौरान दो प्लेयर्स ने मतलब लिटरली कोशिश की कि मतलब एक अच्छे माहौल में मैच हो, और अच्छे माहौल में मैच हुआ मां सिवा एक एंड में जो आसिफ का इंसिडेंट हुआ है विद फरीद, और वो भी जो है इसलिए हुआ कि जब उसने आउट किया फरीद ने, वो भी मैंने कंफर्म कर लिया कि मैच रेफरी ने दोनों को बुला लिया, फरीद को भी बुला लिया और आसिफ को भी बुला लिया, इसलिए क्योंकि जब आसिफ आउट हुआ 19th ओवर में तो फरीद ने जो है उसको गाली दी है, उस पर जो है फिर आसिफ ने रिएक्ट किया, बल्ला बल्ला उठा लिया। अब एक मैच जब पूरी तरह से अच्छा हो रहा है भाई, क्या होता है यार, हाई टेंशन मैच है, ठीक है हाई वोल्टेज मैच है, देयर इज अ लॉट एट स्टेक, सब कुछ सही है, अफगानिस्तान अगर जीता आज तो वो इट वुड हैव रिमेन कंटेंशन फॉर द फाइनल, क्या आप कर सकते हो यार? लेकिन अफगान क्रिकेट फैंस नीड टू सपोर्ट देयर व्हाट यू कॉल इट क्रिकेट टीम, नॉट इन दिस मैनर, नॉट बाय टर्निंग वायलेंट स्पेशली व्हेन दे प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कोई तरीका नहीं है यार, ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हिस्ट्री चली आ रही है मसले मसाइल, लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं, आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। ये जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड कुछ ऐसी बदमजगी वाली चीजें हो गई, उसकी वजह से इतना इतना वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डल गया, तो रंग में पूरा तरीके से भंग डल गया। अफगान जो क्राउड आया था उन्होंने जिस तरह टारगेट किया मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैमिलीज को, खवातीन को, वहां के बच्चों को, वो किसी भी डिक्शनरी के अंदर जस्टिफाई नहीं होता, वो किसी भी डिक्शनरी, ये पहली दफा नहीं हो रहा, लीड्स में भी हुआ, पिछली दफा साल दुबई में भी हुआ, इस साल आज कल रात को शारजा में। ये अभी मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, आसिफ और फरीद के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, ये वो वाली वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो आई एम श्योर सबने अब देख ली होंगी, वो वायरल हुई हुई है आग की तरह कल रात से, जिस तरह फैंस को मारा गया, कुर्सियां तोड़ी गई, ये कोई तरीका कार नहीं है। आपको बिल्कुल मसाइल हो सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जी हर कोई ठीक है, आपको जरूर इश्यूज हो सकते हैं हमारे मुल्क से, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये जो वहां फैंस आए तो किसी का कसूर नहीं था उनमें से किसी का भी, कोई भी मुल्क कुछ भी करे, किसी एक उसके मुल्क के सिटीजन का कोई कसूर नहीं होता, वो भी आपकी तरह और हमारी तरह जीता जागता इंसान होता है।
अगर आज हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे उन फैंस को कि नहीं जी बिल्कुल सही किया क्योंकि हमको पाकिस्तान पसंद नहीं है, पाकिस्तानी पसंद नहीं फॉर एक्स वाई जेड रीजन, और हम अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं जी बिल्कुल सही किया फैंस को मारा और मजाक उड़ाना, तो ये याद रखिएगा ये आग जब लगती है तो अगर एक घर में लगती है तो दूसरे के घर में भी आती है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी और टीम के साथ फिर करेंगे, क्योंकि आज अगर इनको एक हार पाकिस्तान से बुरी लग रही है तो इनको हार किसी और से बुरी लगेगी। देखिए आसिफ और फरीद के ऊपर तो हमको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिबेट और वहां न्यूट्रलाइजेशन का हम पॉइंट रख सकते हैं कि किसकी गलती, किसने पहले गाली दी, प्रोवोकेशन, पर्सनल स्पेस, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस तरह फैंस को टारगेट कर किया गया, जिस तरह वायलेंस किया गया फैंस के ऊपर जो कि इनोसेंट फैंस है, पहली दफा नहीं हो रहा, पहली दफा हो रहा तो समझ आता है, इंग्लैंड में हुआ, पिछले साल दुबई में हुआ वर्ल्ड कप में, इस बार फिर हुआ 2018 के एशिया कप में हुआ, ये मतलब ये कोई तरीका कार नहीं है कि दो टीमें खेलने आती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, हर दफा इतना ज्यादा रिएक्शन। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, हालांकि मैं YouTube की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये सारे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मार धाड़ जहाँ पर दिखाया जाए, झगड़ा दिखाया जाए, तो वो YouTube पर वीडियो ज़्यादा रह नहीं सकता है, इसके पीछे का ऑडियो भी मैंने म्यूट कर दिया है। आपने हालांकि ये अपने WhatsApp पे और सोशल मीडिया पे ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे कि पाकिस्तान से मैच हारने के बाद अफगानिस्तान के फैंस हमेशा पाकिस्तानियों को बाहर पेलते हैं और बहुत गंदी लड़ाई होती है। तो आप समझ सकते हो यार, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो प्रॉब्लम है वो भारत से भी ज़्यादा खतरनाक है। प्रॉब्लम क्या है, अफगानिस्तान के साथ इनका बॉर्डर इशू चल रहा है जिसको अफगानिस्तान के लोग मानते नहीं हैं, ड्यूरेंट लाइन वो बोलते हैं कि इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, पेशावर को विंटर कैपिटल मानते हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके बाद चले जैसे तैसे पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में जो ये रशिया के खिलाफ, आपको याद होगा रशिया के खिलाफ जो ये तालिबान और ये जिहादी बनाए मुजाहिदीन, ऐसा कुछ वर्ड है उर्दू का, मुजाहिदीन ऐसा वर्ड है, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ये बनाए और वहाँ पर भेजे और जिहादी एलिमेंट एक्टिव किए वहाँ पर। आज अफगानिस्तान की आप हालत देख सकते हो, वहाँ पे सब तहस नहस हो चुका है, उस टाइम पे जो इन्होंने जिहादी भेजे उसकी वजह से जो शहर के शहर बर्बाद हुए, वहाँ के लोग पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में आ गए, अफगानी बस गए, जिसको लेकर ये ताना मानते कि हमने तुम्हें खाना दिया, हमने तुम्हें रोटी दी, अरे तो भैया बर्बाद भी तो तुम्ही ने किया, उनको उनके घर से ही निकलने को मजबूर भी तो तुमने ही किया, ये भी तो आपको बताना चाहिए ना, ये बताओगे तब तो बताओगे कि फिर तुमने रोटी दी और वो बेचारे भीख मांग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मान लीजिए अफगानिस्तान के लोग या अफगानी लोग हर जगह हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ही क्यों ना हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मतलब अफगान पठान लोग पाए नहीं जाते हैं, पेशावर और जो केपीके का इलाका है वहाँ पर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, तो उनको भी वो अफगानी समझते हैं और वैसा ही ट्रीट करते हैं, इस वजह से ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो फैंस हैं बहुत बड़े नंबर में, उनके प्रति खासा हेट है पाकिस्तान के लिए, और भारत के लिए देखना आज मैच है भारत के साथ, हालांकि इंडिया तो आउट हो गया है टूर्नामेंट से, और कल अफगानिस्तान जीत भी जाता तब भी इंडिया आउट ही था टूर्नामेंट से, आप इस उम्मीद में ना रहे कि इंडिया श्रीलंका किसी तरीके से पाकिस्तान को हराता, ये होता वो होता, नहीं होता, ये इंडिया आउट ही होना था टूर्नामेंट से, तो इंडिया आउट हो गया, इतना प्रॉब्लम, और ये मैच को लेकर इतना सीरियस मत हुआ करो, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है, भारत की टीम, भारत ने ऐसी घटिया टीम सेलेक्ट की, ऐसे बॉलर सेलेक्ट किए, बिल्कुल नए नवेले बॉलर सेलेक्ट कर दिए, आपको भी पता है, तो ये होता है, ऐसा नहीं है, इंडिया की टीम अच्छी है, हो सकता है अगले आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा खेले, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैच में हार जीत होती है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होना है, आज भारत अफगानिस्तान का मैच होगा, फिर श्रीलंका पाकिस्तान का एक मैच होगा, उसके बाद फाइनल होगा, तो ठीक है हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये हो नहीं होता कि भारत की टीम बहुत कमज़ोर है, होता है, हार जीत टीम का हिस्सा है, भारत की भी टीम 2007 में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, होता है, हालांकि थोड़ा सा दुख होता है कि भारत की टीम इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए जो पिछले आप देखें 2013 के बाद कोई भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है, तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम चोक कर रहे हैं, तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, हालांकि हमारी टीम ख़राब नहीं है, ये पॉइंट से डिफरेंट टॉपिक है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेली लेकिन कल जो मैच था बहुत क्लोज गया, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो पाकिस्तान मैच क्लोज ले गया, और इस एशिया कप के आप ज़्यादातर मैच देखेंगे तो भारत के तो पूरे मैच क्लोज हुए हैं, बहुत मैच क्लोज हुए हैं, तो ये एशिया कप मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड हुआ है, टॉस पे भी डिपेंड हुआ है, तो आप समझ सकते हो टॉस बड़ा फैक्टर होता है T20 में जहाँ पर ड्यू फैक्टर आता है, तो आप समझें दोस्तों, आप इस बारे में आपको क्या कहना है, शोएब अख्तर हो या पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हों, ये लोग ऐसे टूटते हैं अफगानियों पर, तुम्हें हमने खाना दिया रोटी दी, नमक हराम और इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं,
अफगानियों के लिए, बेसिकली आपको बता दें इस वजह से उनके उनके अंदर ज़्यादा हेट है। क्यों हेट है मैंने बताया आपको रीज़न, पाकिस्तान की पाकिस्तान ने अफगानिस्तान कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, तालिबान को सपोर्ट किया, उसके पहले वहाँ पे रशिया यूएसएसआर को निकालने के लिए जिहादी बनाए, सब ये जो पूरा है ना, इस वजह से इनके अंदर ऐसा हेट है, जनरेशन टू जनरेशन हेट ट्रांसफ़र हुआ है। ये पाकिस्तान अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, इनको भारत में कश्मीर चाहिए, वहाँ अफगानिस्तान को ये पांचवा सूबा बनाने के चक्कर में थे जनरल जिया उल हक। तो इस तरीके की जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, इन्हीं पर भारी पड़ रही है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।